ऑटो चालक के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों ही पक्षों की ओर से ये मारपीट की गई है। हम आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर पूरा विवाद हुआ था, जो बीच चौक इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस और लोगों ने समझाइश के बाद मामले को अब शांत किया है। इधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस पूरे झड़प का वीडियो। ये देखिए, हम आपको उदयपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रही है। ये देखिए, उदयपुर की एक घटना है। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए समझाइश करवा ली है। ये पूरा मामला पर्यटकों और ऑटो चालक के बीच जमकर झड़प और मारपीट की हुई है। अब साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ऑटो चालक को एक पर्यटक पीट रहा है। हालांकि पुलिस भी वहां खड़ी है, साइड में खड़ी दिख रही है, लेकिन समझाइश कर लिया गया है। ये देखिए, पुलिस बलों ने वहां पहुंचकर समझाइश भी की है। और ये साथ ही वो तस्वीर जब एक पर्यटक ऑटो चालक को पीट रहा था। और ये पूरा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि उदयपुर अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। इस पूरे खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अविनाश। अविनाश, ये घटना कैसे घटी? क्योंकि अमूमन उदयपुर एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। ऑटो चालक वहां पे काफी सपोर्ट करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट भी इस तरह का बिहेवियर बहुत कम ही देखा जाता है, लेकिन इस तरह का बर्ताव खुलेआम रोड पर ऑटो चालक और टूरिस्ट एक दूसरे पर लड़ पड़े। जी देखिए, मामूली बात को लेकर पर्यटक और जो ऑटो चालक है उनके बीच में विवाद हुआ था, और देखते ही देखते दोनों के बीच में मारपीट जो है वो शुरू हो गई। ये जो घटना हुई है ये शहर के जगदीश चौक इलाके में हुई है, जो टूरिस्ट सेंटर के रूप में जाना जाता है, पर्यटकों का केंद्र है। जो भी अगर उदयपुर में कोई पर्यटक आता है तो वो जगदीश चौक जरूर जाता है, क्योंकि वहीं से सिटी पैलेस की तरफ रास्ता जाता है, और जगदीश टेम्पल जो कि पूरे मेवाड़ संभाग में नहीं पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो वहां पे ठीक वही घटनाक्रम हुआ। लेकिन गनीमत यह रहेगी क्योंकि वहां पे पुलिस के जवान जो है वो तैनात थे, उन्होंने बीच बचाव करके मामले को शांत किया, समझाइश की। लेकिन इस तरह की जो तस्वीर अमूमन उदयपुर शहर में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे अतिथि देवो भव के रूप में यहाँ पे सैलानियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन अगर किसी इस तरह की तस्वीर आती है तो वो कहीं ना कहीं उदयपुर की जो साख है उसको जरूर गिरती है। लेकिन पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिस तरह से वहां पे मौजूद लोगों की तरफ से और पुलिस के जवानों की तरफ से समझाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।